हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फिफ्थ, सब्जेक्ट ईवीएस। तो स्टूडेंट्स, हमने आगे के वीडियो में चैप्टर नंबर 11 नेशंस प्राइड, देश का गौरव। नेशंस प्राइड का मतलब होता है कि गर्व, प्राइड का मतलब गर्व, गौरव। नेशंस यानी कि देश का गौरव, उसकी स्पेलिंग हम देख चुके हैं। आज हम बुक में पेज नंबर 88 से स्टार्ट करते हैं, उसमें ही रीड रीड में है। वत्स एंड आयुषी वेयर वॉचिंग टीवी। ये दोनों वत्स एंड आयुषी क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। जस्ट देन केतुल एंड हनी कम बैक फ्रॉम दी टेम्पल विथ ग्रैंड मा। जस्ट देन इतलामाज केतुल एंड हनी अपनी दादी के साथ टेम्पल गए हुए थे, जो वापिस आ गए हैं। ग्रैंड मा आस्क्ड वत्स एंड आयुषी। ग्रैंड मा, दादी माँ पूछते हैं वत्स और आयुषी को, वॉट आर यू वॉचिंग इन द टीवी? आप टीवी में क्या देख रहे हो? डू यू नो अबाउट हिम? क्या आप उनके बारे में जानते हो? आप टीवी में क्या देखते हो? जो देखते हो उनके बारे में कुछ पता है? ऐसा पूछ रही है वत्स। यस, दिस इज अबाउट फियरलेस आजाद। वो कह रहा है कि हाँ, ये है फियरलेस, निडर आजाद। कया आजाद की बात छे? चंद्रशेखर आजाद की बात छे। ग्रैंड मा, फियरलेस आजाद्स नेम वॉज चंद्रशेखर। जो फियरलेस है यानी कि निडर आजाद है, उनका नाम है चंद्रशेखर। सिंस चाइल्डहुड ही वॉज ब्रेव। वो बालपन में क्या थे? ब्रेव, बहादुर थे। ही सेक्रीफाइज्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। उन्होंने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए बलिदान दिया। केतुल एंड हनी, यू ऑल्सो वॉच दिस फिल्म। आपने ये फिल्म देखी है केतुल एंड हनी? आफ्टर वर्ल्ड आई शेल टेल यू द स्टोरी ऑफ वन सच फियरलेस चाइल्ड। वो दादी माँ कहती है कि मैं आपको ऐसे एक बहादुर लड़के की बात कहती हूँ। अब है स्टोरी स्टार्ट है। ग्रैंड माँ, सी दिस पिक्चर एंड लिसन। आप ये पिक्चर देखो और सुनो। यहाँ पे क्या है? ट्रेन जो आती है वो गाड़ी के क्या है? पाटा, ज्यादा ट्रेन पसार थती हुए छे, ये ट्रेन ना पाटा छे। अने बीजा पिक्चर में शू देखाय छे कि एक छोकरो छे जे रेड कलर नु कपड़ो हाथ में पकड़ी ने ट्रेन ने रोकवानी कोशिश करी रह्यो छे। रेड कपड़ू शू छे? अहीं एनो रेड कलर नो शर्ट छे, जे एने सेकंड पिक्चर में उतारीने ट्रेन रोकवानी कोशिश करे छे। बाजू के पेज में जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें ये है जो गार्ड है, ट्रेन का गार्ड। वो ट्रेन में से बाहर निकल के बच्चे के साथ कुछ बातें कर रहा है। और यहाँ पे क्या है? एक टॉफी है जो बच्चे के हाथ में है। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन में स्टोरी में क्या हुआ होगा। कि यहाँ पे हमें बाजू के पेज में हमें दिखाई दे रहा था कि गाड़ी जो रास्ते से आने वाले थी, जो पाटे पर से वो पाटा था बीच में से टूट गया था। और वो लड़का था उसने देख लिया था। तो वो लड़के ने क्या किया? गाड़ी का एक्सीडेंट होने से बचाया। उसने अपना रेड शर्ट उतार के ट्रेन को और सिग्नल दिया कि यहाँ पे कुछ खतरा है, आप अपनी गाड़ी को वहाँ पे रोक दो। तो एक्सीडेंट होने से बचा, इसलिए ये गार्ड उसको कुछ बात कर रहा है और यहाँ पे उसको इनाम मिल रहा है। ऑब्जर्वेशन में है कि व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर। आपने फर्स्ट पिक्चर में क्या देखा? कि पाटो टूटेलो छे। व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग इन द सेकेंड पिक्चर। सेकेंड पिक्चर में वो लड़का क्या कर रहा है? तो वो लड़का अपना शर्ट उतार के गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा है। व्हाई हैज द ट्रेन स्टूड स्टिल इन द सेकेंड पिक्चर?
सेकेंड पिक्चर में आपने जोयू कि ट्रेन क्यों खड़ी हो गई होगी, तो पाटा था वो टूट गया था और वो लड़का सिग्नल देके गाड़ी को एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए वो सिग्नल दे रहा था। वाई इज द गार्ड कॉन्ग्रेचुलेटिंग द दिस चाइल्ड, क्योंकि वो बच्चा बहादुर था, उसने अपना शर्ट उतार कर ट्रेन को एक्सीडेंट होने से बचाया और सभी यात्रियों को भी बचाया साथ साथ में, इसलिए गार्ड ने उनको उस बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेशन यानी कि शाबाशी दी। व्हाट वुड यू डू, सॉरी व्हाट वुड यू डू इफ यू वेयर इन प्लेस ऑफ दैट चाइल्ड। अब कह रहा है कि वो चाइल्ड था, उस जगह पे आप हो तो आप क्या करते, आप भी ऐसे ही करते ना कुछ, वैसा क्वेश्चन किया हुआ है। डिस्कशन में है प्लेस ऑफ द इवेंट। अब हमें क्या करना है कि कोई स्थल पे ऐसी घटना हुई हो तो वो स्थल का यहाँ पे नेम लिखना है, नॉट ऑन द इवेंट और इवेंट, यानी कि जो घटना घटी हो घटना के बारे में यहाँ पे लिखना है। पीछे के पेज में डिस्कशन में दिया हुआ है कि प्लेस ऑफ इवेंट। दूसरा नंबर है यहाँ पे कि जहाँ पे कोई घटना घटी हो, इवेंट का मतलब होता है कि घटना, तो वो स्थल का नेम लिखना है। मेमोरेबल कैरेक्टर ऑफ दिस इवेंट, जो इवेंट के यादगार कैरेक्टर यानी कि पात्र होते हैं उनके नेम लिखने हैं। नॉट ऑन द इवेंट यानी कि घटना ने नोंद लिखवानी रहसे, नॉट अबाउट द इवेंट घटना विषय टूंक में माहिती लिखवानी छे। अब नीचे हैं लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट ऑक्यूर्ड अराउंड यू, आपकी आसपास कोई हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक घटना बनी, ऐतिहासिक घटना बनी गई हो एना विषे। इन दोज इवेंट्स देर मस्ट बी टॉक अबाउट मार्टरीज टू, तो आवा मार्टरे यानी कि शहीदों की बात करवानी छे। ओ मार्टरी इज वन हु डाइज फॉर द प्राइड ऑफ हिज प्राइड ऑफ इज विलेज सिटी और कंट्री, आपके शहर गांव या देश में आवा शहीद थई गयेला लोको पोताना देश माटे शहीद थई गयेला हो, मौत एमने मौत वहालू करीने पोताना देश माटे एवा लोको शहीद थई गया हो, एमने शहीद कहेवाय। गांव शहर के देश माटे मौतने वहालू करनार गौरव आपनार लोगों ने अपने मार्टर यानी कि शहीद कहिए छे। नीचे दिया हुआ है स्टोरी, तो यहाँ पे जो स्टोरी दी हुई है वो स्टोरी है ये लड़के की, और ये लड़के का नाम है पूनम चंद। तो आगे के वीडियो में मैं आपको इस स्टोरी सिखाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट।